ये पढ़ता ही रहता हूँ एनी टाइम, और वीडियो बनाता रहता हूँ, और मैं कोई काम ही नहीं करता हूँ, दो ही काम होते हैं मेरे को, पढ़ना वीडियो बनाना। हेलो आर्मी लवर, तो गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? आई होप सबके सब बढ़िया है। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सबके कहने पर मैं आज की वीडियो लेके आया हूँ, बुक से कौन कौन सी पढ़नी चाहिए और मैं कौन कौन सी पढ़ता हूँ। मैक्सिमम बंदे ऐसे होते हैं वो क्या पढ़ते हैं वो किसी को नहीं बताते, पर तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि मैं क्या पढ़ता हूँ और मेरे पास कितने नोट्स हैं और मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ। जो भी मैं आपको बताऊँगा वो सब मैं पढ़ता हूँ। और भाई, अगर आपका फिजिकल कितने का है और आपको पहले एक्सीलेंट वाले बंदे तक पहुंचने के लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अगर आपकी एनसीसी है तो उसके नंबर कब जुड़ेंगे, ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बढ़िया लगेगा, बिना स्किप किए देखना, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं। तो भाई, आपके कहने पर मैं लेके आ गया हूँ कि भाई यहाँ आपके फिजिकल में कितने नंबर है और एग्ज़ाम में आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए। आपने बोला था कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उस पे आज की वीडियो आ गई है। तो देखो, तो आपका फिजिकल है ठीक है ये, और एग्ज़ाम क्वेश्चन होते हैं 50, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं 50। तो मान के चलो आपका है 75 का फिजिकल, तो आपको चाहिए 25 वैसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है तो 24 हो गए, तो आपको 25 क्वेश्चन चाहिए, तब आपके होंगे 100, पूरे पूरे 100 हो गए, ठीक है। अगर आपका फिजिकल 81 का है तो फिर आपको चाहिए 19 क्वेश्चन, तो तब आपके होंगे 100, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आपके फिजिकल ऐसा है, पहले आपको अपना 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 100 नंबर करने पड़ेंगे। जैसे इस किसी भाई का 100 का फिजिकल है, तो जिन बंदों के 75, 81, 87, 88, 91 नंबर है उन्हें पहले 100 करने पड़ेंगे। मान के चलो मेरे है 88, ठीक है, तो मेरे को पहले 100 करने पड़ेंगे 6 क्वेश्चन करके, फिर मेरे इसके बराबर होंगे, ठीक है। और जिन भाइयों को एनसीसी में ए सर्टिफिकेट है और 5 नंबर जुड़ते हैं, ए सर्टिफिकेट के 5 नंबर जुड़ेंगे, जैसे एग्ज़ाम में ऐसा होता है 33 नंबर से पास होते हैं, पहले पास होना पड़ता है, फिर टीचर की 15 नंबर की असेसमेंट जुड़ती है, वैसे ही पहले आपको पास होना पड़ेगा। आर्मी में 33 नंबर से पास होंगे, ठीक है, तो प्लस उसमें पास होने के बाद एनसीसी जुड़ती है, पहले ही नहीं जुड़ जाती, पास होने के बाद आपकी एनसीसी जुड़ेगी। और मान लो मेरे 88 नंबर का फिजिकल है, तो मेरे को पहले 6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मतलब से 12 नंबर, तब जाके हो गए मेरे पूरे 100। अब 100 नंबर हो गए, ठीक है, जिस भाई का फिजिकल 100 का है, तो मेरे को उस तक पहुंचने के लिए पहले 6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो बंदा 30 क्वेश्चन करेगा तो मेरे को करने पड़ेंगे 36 क्वेश्चन, तब मेरे के 160 नंबर होंगे। तो मेरे भाई, जो मेरिट बनती है ना, एक्सीलेंट वाले बंदे पे डिपेंड होता है, ठीक है, कि वो कितने क्वेश्चन करता है, फिर उसके बाद मेरिट बनती है। तो हमें पहले उतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उस तक पहुंचना पड़ेगा, फिर हमारे आगे, जैसे मेरे को 6 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर जैसे एक्सीलेंट वाला 30 करता है तो मेरे को 36 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको बुक से कौन कौन मैं पढ़ता हूँ। तो एक तो होगी ये, ठीक है, जनरल ड्यूटी SK, ठीक है, एक होगी ये लूसेंट सामान्य विज्ञान, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ठीक है, भूगोल है, साइंस है, और एक जनरल ड्यूटी होगी ये पुराने वाली है, ठीक है, एक ये हो गया, इसको मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर ये हो गया, इसमें अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हो इसको पढ़ सकते हो, हरियंत को, हरियंत में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है हरियंत में, ठीक है। और एक और है, ठीक है, 50 पेपर का मॉडल टेस्ट है ये, इसमें 50 सेट होते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पूरा सॉल्व है ये, पूरा सॉल्व कर दिया मैंने इसको, मैंने 4 से 5 बार सॉल्व कर दिया है, ठीक है, 1.5 साल में, तो मतलब से, और मेरे पास नोट्स हैं ये साइंस के है, ठीक है, यहाँ पे शुभम ई क्लासेस के नोट्स हैं पढ़े हुए, और 100 क्वेश्चन ये है, और साथ में ये अकेडमी के नोट्स हैं, तो साथ में ये अकेडमी के नोट्स हैं साइंस और जीके के।
और तीन चार कॉपी और है पूरी पूरी नोट्स की। तो ये है यहाँ पे तीन कॉपी है, ये इनमें भी पूरे साइंस जीके हिस्ट्री पॉलिटिकल है, ठीक है। और ये किया है 600 क्वेश्चन इसमें पूरे पूरे, आपको यकीन नहीं होगा 619 में ज़्यादा यार, 1000+ क्वेश्चन है, 900 इस यहीं पे पहुँच गए, तो इसमें भी है, ठीक है। तो लास्ट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब से फिर से यहाँ से 100 से स्टार्ट हो जाता है कितने के बाद, हाँ देखो 1000 क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाते हैं अपने कंप्लीट 1000, तो मतलब से 1200 क्वेश्चन इसमें। और पढ़ने को तो बहुत कुछ है भाई, ठीक है। इसमें इसमें होंगे आपके 500-600 क्वेश्चन इसमें, फिर एक और है, ये तो मैथ की है। तो मान के चलो कि मेरे पास नोट्स बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए, देखो इतनी बुक्स हैं, देखो भाई पूरे टेबल पे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से नोट्स से, ठीक है। यहाँ पे चेयर है, ठीक है, चेयर के ऊपर पूरे में रखी हुई है, तो मतलब से पूरे के पूरे ये पढ़ने का है, ठीक है। सामने दीवार पे देख सकते हो, यहाँ पे बने हुए फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है, फुल ऑन फुल मतलब स्टडी का टेबल पूरा पूरा भरा हुआ है। तो ये पढ़ता ही रहता हूँ एनी टाइम, और वीडियो बनाता रहता हूँ, और मैं कोई काम ही नहीं करता हूँ, दो ही काम होते हैं मेरे को, पढ़ना वीडियो बनाना। अगर आपको और कुछ जानकारी लेनी है ना भाई, ठीक है, तो ज़रूर से बताना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, आपका सपोर्ट और बहुत आगे तक जाएंगे हम फिर।